सुशासन हेतु नवाचार के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन संबल अभियान के तहत बुधवार को सांकोद पंचायत समिति सभागार भवन में विशेष शिविर आयोजित हुआ। शिविर दिव्यांगों का पंजीकरण कर निःशक्त जन प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में नगर पालिका, पंचायती राज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं परिवहन विभाग के कार्मिकों ने भी मौजूद रहकर शिविर में आने वाले लोगों के विभिन्न कार्यों से संबंधित आवेदन लिए तथा उन्हें कई कार्यों से लाभान्वित किया। इससे पूर्व शिविर में लोगों के आने का सिलसिला सुबह 10:30 बजे ही शुरू हो गया। लोगों ने यहाँ शिविर स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के काउंटर्स पर पहुंचकर जानकारी ली तथा आवेदन किया। शिविर में जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम अड़ूसा, SDM अंजना सहरावत, खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, तहसीलदार नेमुद्दीन, पंचायत समिति सदस्य कुशल पाल सिंह आदि ने दिव्यांगजनों एवं अन्य लोगों की समस्याएं सुनी एवं मौके पर ही उनका समाधान करवाया। शिविर में चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर मथुरेश गुप्ता और मेडिकल टीम द्वारा 209 लोगों का पंजीकरण किया गया। इसमें हाथ पैर से विकलांगता के 85, अंधता के 23, कान के 4, मनोरोग के 50, थैलेसीमिया के 4 समेत 156 निःशक्त जनों को प्रमाण पत्र जारी किया। 38 आवेदन मेडिकल कॉलेज कोटा के लिए रेफर किया गया, वहीं 5 आवेदन अपात्रता के कारण स्वीकार किए गए। इससे पूर्व शिविर में सुबह से दिव्यांगजनों की भीड़ लगी रही। कोई स्वयं ही शिविर में पहुंचा तो किसी ने परिजन और अभिभावकों के सहयोग से शिविर में पहुंचकर योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवेदन किया। शिविर में कई लोगों को निराश भी लौटना पड़ा। इस पर कई लोगों ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि शिविर में आने वाले ज्यादातर लोगों को शिविर में बड़ी राहत मिली। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।